फिर ये सत्यापन क्या कर रहे हैं? उस समय सत्यापन कैसे होता था जिसमें हमने करीबन करीबन 35 से 34 करोड़ का भुगतान लिया है, उसका फाइल भी रखा है जो हमने सीआरसी में दिया था। और तो छोड़िए सर, मैं एक सबूत आपके पास दे दूं कि मैंने लिस्ट बना करके दिया था दतिया के हमारे कार्यकर्ता ने और डबरा कार्यकर्ता ने, वो लिस्ट पर पेमेंट जारी हुआ और ठीक समय पर जारी हुआ। आज पोर्टल के माध्यम से भी डिफिशियंसी आ रही है, आम नागरिक कहां से कहां जाए कैसे करें और पोर्टल बिल्कुल चल नहीं रहा है। डिफिशियंसी में भी अगर जाता है तो वो भी नहीं चल रहा है, आखिरकार परेशान तो जमा करता है। आपने भी अडानी को दिखाया, कई बड़ी हस्तियों को दिखाया, तो उसमें सहारा भी शामिल है, वो भी तो सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोगों से मिले हैं, ये भी लोग मिले हैं, लेकिन आज जो मर रहा है वो हमारा जैसा कार्यकर्ता घुट घुट के मर रहा है। उसको न भारत सरकार देख रही न सहारा इंडिया देख रहा। अगर ये सत्यापन वास्तविक करना कराना चाहते हैं, सही तरीके से कराना चाहते हैं, तो माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कॉपरेटिव बैंक के बहुत किया है, बहुत जानकार है, तो पूरे हिंदुस्तान में भी कॉपरेटिव बैंक खुली हुई है वहां करा दें। और राहत सभा इस बात की आप कह रहे कि ऑफिस खुलना चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी स्वागत करता हूं ऑफिस खुलना चाहिए, लेकिन ऑफिस खोलने के लिए रोका किसने है? ये सत्यापन सही तो करें, कैसे करना चाहते हैं? आज जो कह रहे हैं कि एजेंट के पास पेपर है, मैं संजय नायक भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूं, पेपर किसी कार्यकर्ता के पास नहीं है। कार्यकर्ता ने फॉर्म भरा, मेंबरशिप भरी, वो उन्होंने कार्यालय में जमा किया। अब प्रश्न इस बात का आता है कि 2011 में 2012 में सारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी में जो हमने अभ्यास की थी 8 साल के लिए 2.5 गुने के लिए, उस समय तो फार्म दिए थे, तो वो भी डिफिशियंसी में आ रहे हैं। 17, 18, 19 का मान सकता हूं कि पेपर नहीं गए, लेकिन पुराने पेपर तो उनके पास है। मैंने जो दिया था सीआरसी में ऑनलाइन किया था, उसके पहले हार्ड कॉपी की भी थी, तो उसमें हमारा पैसा आया, कार्यालय में आया, लिस्ट दिखाया, और आज वही पैसा हमारे को डिफिशियंसी बता रहे हैं। तो या कमी या तो संस्था की है या भारत सरकार की, भारत सरकार करना नहीं चाह रही, दोनों की लोगों की कमी है। अगर भारत सरकार चाहती है गरीब जनता का भला करना, पैसा देना, तो उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत है, वो सत्यापन सीखता सीख करा सकती है। और साथ क्यों तलब नहीं करी भारत सरकार? वो अपने हेडक्वार्टर से करे, वो अपने ब्रांच से जाकर डाटा मंगा के करे, जोन कार्य से करे, क्यों नहीं करना चाह रही? यहां अगर दोष देते हैं कार्यकर्ता को तो गलत है, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। कार्यकर्ता के पास कोई पेपर नहीं है, कार्यकर्ता ने सारे पेपर दिया हुआ है, और डिफिशियंसी 2011 से लेकर के आज दिन तक आ रही है। अभी की मान लो 2 साल की या 3 साल की बात है, पेपर नहीं गया है, तो उनमें डिफिशियंसी आना स्वाभाविक हो सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन 8 साल पुरानी में नहीं होना चाहिए। और आज इस बात का मैं रियल एस्टेट का जिक्र करके बता दूं आपको, मैंने पेमेंट लिया रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट का डिपार्टमेंट भी भारत सरकार का था, सीआरसीएच का डिपार्टमेंट भारत सरकार का था। रियल एस्टेट में जब हम लॉकिंग करके देते थे पेपर, तो बाकायदा वो लेटर जारी करता था, तो प्रति जो होती थी वो मैं उसको सुधार करके देता था, और पूरा पूरा पैसा अकाउंट में रियल सेबी ने वापस किया। सेबी डिपार्टमेंट भी भारत सरकार की है और सीआरसी भी भारत सरकार की है। अगर वास्तविक परेशानी है, अभी आप इसी बात का हमारे क्वेश्चन का उत्तर देंगे कि इतना सारा पेपर आया किसी इसको हम पेपर जारी करें, तो नहीं करें, तो आप कंपनी को कराइए ना। कंपनी के लोग आज स्टाफ बैठे हुए काम कर रहा है, घर से काम कर रहा है, उनके लोग काम कर रहे हैं, अपने सारे कंप्यूटर उठा के अपने घर में रख लिए, तो वो सत्यापन कर देते। लेकिन एजेंट की गलती कहां है, जमाकर्ता की गलती कहां है? वो आखिरकार जाए तो जाए कहां? हम लोग इतने बड़े उद्योगपति नहीं है कि हम हाथ मिला सके। सतीश जी एक मिनट रुकिए, डिफिशियंसी जो आ रही है आज उसको भी जरा डिकोड कर लें कि डिफिशियंसी का आधार क्या बता रहे हैं। क्या उनका आधार कार्ड और बैंक का जो खाता है उसमें मिसमैच हो रहा है, या जो वो पैसा क्लेम कर रहे हैं जो पर्ची उनको अपलोड करना है या पर्ची को
क्या करना है, स्कैन करके करना है, कैसे करना है, ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं तो गया नहीं उसको ये देखने के लिए। लेकिन क्या ये संभव है कि लोग सहारा के पोर्टल पर फर्जी लोग जाकर के अप्लाई कर दें? इसकी संभावना है तो कितनी है, और नहीं है तो कितनी नहीं है, ये जरा बताइए। देखिए सर, मैं यहाँ पे आपको सामने मंच के सामने कहना चाहता हूं कि वास्तविक देखा जाए कोई भी अपडेट फोरम 8 दिन तक अभी नहीं हुआ है। ये भारत सरकार गलत कर रही है। यहां मैं इसे साबित करना चाह रहा हूं कि 4 अंक आधार कार्ड को जब ओपन करते हैं तो उसमें ओटीपी आता है, ओटीपी वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद पूरा आधार नंबर डालते हैं तो बैंक से और मोबाइल नंबर से वो ओटीपी आता है, वो भी वेरिफिकेशन करता है। अगर कोई फर्जी अकाउंट बनाता है तो बनाएगा कैसे? अकाउंट नंबर, रसीद नंबर बाकायदा छपा हुआ है, उसका साइन है, उस पर सील लगा हुआ है। और जैसे मैं अपनी बात करूं, पहली बार बताया गया कि आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा, दूसरी बार बताया गया कि आपका मेंबरशिप नहीं है, और अब कल की डेट में बताया जा रहा है आपकी अंडर प्रोसेसिंग है। तो सीआरसी क्या देख रहा है? मैं प्रमाण के साथ बात रखता हूं आपके मंच पे, ऐसा नहीं है मैंने कोई बात रखी, और उसके सारे प्रिंट आउट मेरे पास है जो कि मैं सुप्रीम कोर्ट में उसको दूंगा, और मैंने ग्रुप में मांगे भी है जिन लोगों ने लॉकिंग किया, फिर देश भर से हमने मांगे, पेपर इकट्ठा किया हुआ है कि आपने अपलोड करके फॉर्म लिया उस पर लिखा हुआ है, आज भी आधार कार्ड का नंबर डाल के ओटीपी लेके वो फॉर्म अपलोड हो रहा है, साइट से देरी हो रही है, हो रहा है, उसमें गलती यहां से कहीं कार्यकर्ता की नहीं है, पेपर की गलती नहीं है, ये लोग भारत सरकार के लोग कंपनी को भ्रमित कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा था आपके मंच पे कि किसान निधि दे सकते हैं तो आम नागरिक का पैसा हम अपना मांग रहे हैं तो ये दे सकते। अच्छा एक मिनट सतीश जी, आज मैं एक और काम मुझे लगता है कि आज करना चाहिए मुझे, संजय नायक जी और नागेंद्र जी और यहाँ अभय जी भी हैं और सतीश जी भी हैं और ये गोंदिया से भी हैं गेंदलाल जी, तो आज मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि कल तक जो बात थी वो कल तक थी, आज से जो है आप सभी लोग एक हैं। आप लोग अपना अलग अलग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं करते रहिए, कोई किसी को नहीं रोक रहा है, ठीक है, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। अगर मान लीजिए कि संजय जी नागेंद्र जी अपनी संस्था चला रहे हैं, चलाइए, ये लोग अपनी संस्था चला रहे हैं वो भी चलाइए, और कोई अगर चला रहा है तो वो भी चलाए, सब एक दूसरे को शुभकामना दीजिए, सब एक दूसरे की तारीफ कीजिए, लेकिन मैं आप सबसे ये आग्रह कर रहा हूं कि सभी लोग अपनी गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।